दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ नया कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ अपडेट नहीं है, कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। जिस पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंस है, उस पैटर्न्स के बेसिस में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट पाने का चांसेस रहेगा। तो चलो सबसे पहले बात कर लेता हूँ RBNL के बारे में। देखिए, RBNL जिस तरीके से लास्ट 2 डेज में लगातार एक जर्नी दिखाया, बहुत शानदार जर्नी है। और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अगर हाई लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका दिखेगा। तो फाइनली जिस तरीके से कंपनी भाग रहा है, उसके पीछे रीज़न भी है, रीज़न के बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले देख लीजिए कंपनी किस तरीके से जर्नी किया। अगर मैं चार्ट को आपके साथ शेयर करूँ तो देखिए, एक बड़ा जर्नी होने के बाद, एक कफ बनने के बाद मुझे लग रहा था यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट होगा, उसके बाद एक जर्नी देखने को मिल सकता है। मगर हुआ कुछ ऐसा कि कंपनी इसी रेंज के ऊपर काम करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी जर्नी दिखा दिया। अगर ओवरऑल मैं इस पॉइंट को अगर 1:3 रेशियो के हिसाब से भी देखूँ, मतलब जो स्टॉप लॉस है, अगर मैं इस लेवल तक स्टॉप लॉस देखूँ और इसको 1:3 रेशियो तक देखूँ, तो एक बड़ा जर्नी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी कर चुके हैं, जो करीबन करीबन 3% तक देखने का मतलब है कुछ इस तरीके से लेवल में। तो मुझे लगता है इस तरीके से लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी शानदार तरीके से किया, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आप कहेंगे सर, क्या यहाँ पे आपका एंट्री है? बिल्कुल नहीं, मैंने एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मुझे चाहिए था एक पैटर्न्स, तो पैटर्न्स नहीं बना था। और जहाँ पे रेंज या जो ये जो रेंज बना था, ये एक एक टाइप ऑफ रेंज हो गया, मतलब ऊपर गया, नीचे आए और ऊपर जाकर ब्रेकआउट किया। तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया था, तो एंट्री लेना चाहिए था, मगर एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेगा, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा। उससे पहले कंपनी एक जर्नी दिखा चुके हैं। तो देखिए, जिस तरीके से जर्नी कंपनी के ऊपर हो रहा है, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि अपकमिंग जो टाइम्स में बजट आने वाला है, उस बजट में सबसे ज़्यादा एक बड़ा बजट का अनाउंसमेंट रेलवे के ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब इलेक्शन से पहले जब इंटरिम बजट आया था, तब भी बताया गया था कि बजट में इस जितने सारे रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है, इसको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। तो फाइनली वो डेट आ रहा है जल्द से जल्द बजट का। तो बजट जब आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि बजट के दिन ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है इस सेक्टर का। तो उससे पहले ही जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, रिजल्ट भी आने वाला है क्वार्टरली, उस रिजल्ट के इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आने वाला है, उसके लिए भाग चले जा रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट पिछली बार भी अच्छा खासा किया था, क्वार्टरली अगर देखा जाए तो कंपनी देखिए 5,700 से 6,700 बना था, और क्वार्टरली कितना था, 4,600। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी अच्छा खासा हुआ, एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी अच्छा खासा देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, अगर देखा जाए तो 345 से लेकर 433 तक देखने को मिला, बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला। क्वार्टरली भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो सारे सिचुएशन को सामने रखते हुए देखने को मिला है बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस। तो नेट प्रॉफिट बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है, वो बिजनेस बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के जो कैपेक्स है, वो कैपेक्स बहुत कम है। मगर एक बात अच्छी है कि कंपनी इतने दिनों से जो कैपेक्स को इंक्रीज नहीं कर रहा था, फाइनली इस बार 101 करोड़ के आसपास कैपेक्स को इंक्रीज़ किया, क्योंकि कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी का ग्रोथ भी लगातार बढ़ते चले जा रहा है। तो आपके क्या ओपिनियन है इस RBNL के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मुझे लगता है इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई हो चुके हैं, थोड़ा सा मतलब बहुत हाई हो चुके हैं, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज PE 23 है और कंपनी का PE 80 है, तो ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास कंपनी के PE बढ़ चुके हैं। इस हाई रिक्सी जगह पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिक्स बन सकता है, तो प्लीज़ एक बार सोच समझ कर काम करिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। बेसिकली गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में सबसे पहले एक चीज़ मैं आपके सामने नोटिस करूं कि गेल एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर जो लगातार ग्रोथ हो रहा था, और भी ग्रोथ ज़रा ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर इस हफ्ते में मैं एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, आप खुद ही जाकर उस वीडियो को देखना। क्यों मैं बता रहा हूं कि गेल कितना लंबा जर्नी करने वाला है, क्योंकि गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड सर आज CNG के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग बिजनेस के ऊपर भी एंटर हो रहा है, जो फ्यूचर में एनर्जी सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो गेल मेरा एक पसंदीदा कंपनी इसलिए है, क्योंकि गेल का जो बिजनेस है, मेनली जो बिजनेस है वो CNG के ऊपर है। क्योंकि इसका मार्केट शेयर के हिसाब से बात करूँ तो आप देख सकते हैं
गैस मार्केटिंग के ऊपर 53% एंड साथ ही साथ गैस ट्रांसमिशन के ऊपर 68%। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बाकी जो है एचडीपी उसके उसका टोटल 24% के आसपास मार्केट शेयर देखने को मिला, और एलएलडीपी इसके कैपेसिटी के वाइज 18% मार्केट शेयर देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी का जो रेवेन्यूज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रेवेन्यूज नेचुरल गैस से आ रहा है, जो कुल मिलाकर 67% के आसपास देखने को मिला है। और उसके साथ साथ सिटी गैस के ऊपर 7% और नेचुरल गैस ट्रांसमिशन के ऊपर 6% और पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर 5% एंड आदर्स के ऊपर 3% एंड बाकी छोटे मोटे कुछ एलपीजी है ना आदर्स है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया है। तो अलग अलग बिजनेस के ऊपर कंपनी खुद को एंटर कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि सीएनजी का जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट जो सीएनजी बाइक्स है वो मार्केट में लॉन्च किया गया, वो भी बजाज के माध्यम से, बजाज फ्रीडम नाम दिया गया है। तो बजाज फ्रीडम जो नाम दिया गया है उस प्रोडक्ट के ऊपर आप देखेंगे तो सीएनजी के ऊपर चलने वाला, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के फर्स्ट सीएनजी में चलने वाला बाइक मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। तो सोचिए सीएनजी का जो डिमांड है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बाइक सेगमेंट में अगर सीएनजी एक बार अच्छा खासा रेटिंग मिले, अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट दिखे, तो बहुत सारे लोग सीएनजी को खरीदारी करेंगे। क्योंकि सीएनजी में एक एक लीटर सीएनजी के अंदर कंपनी बता रहा है 130 किलोमीटर तक जाने वाला है। देखिए कंपनी बता रहा है 130 किलोमीटर, वो छोड़ दिए 100 किलोमीटर भी गया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सीएनजी का प्राइस भी कम है पेट्रोल पेट्रोल से, और उसके साथ साथ रेंज भी अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि गेल इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि गेल इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए कंपनी क्वार्टरली भी अच्छा खासा काम कर रहा है। 33,000 से 32,000 तक कंपनी का सेल्स देखने को मिला। उसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते है कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस क्यों है, क्योंकि देखिए कंपनी जिस तरीके से सेल्स किया था पिछले सालों में ज़्यादा होने के बाद एक्सपेंस इतना ज़्यादा कर बैठे, जिसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। और इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट 643 से लेकर 2,400 करोड़ तक नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, कंपनी यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि बेसिकली कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है वो करीबन 12,000 करोड़, 5,000 करोड़ और 9,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला साल भर में। तो कंपनी कंटिन्यूसली जर्नी को मेंटेन किया, मगर सेल्स को इस बार उतना खास मेंटेन नहीं कर पाया, मगर प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चले गए और इस बार भी हाइस्ट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये पॉइंट्स कंपनी के आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। और बाकी एक साल में कंपनी 100% के आसपास रिटर्न दिया, तो इस 100% के आसपास रिटर्न दिया ये तो सिर्फ जर्नी स्टार्टिंग है, क्योंकि वैल्यूशन इतना सस्ता है तो ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। म्यूचुअल फंड के पास 10% एंड FIIs के पास 14% के आसपास होल्डिंग है, बाकी प्रोमोटर के पास 51% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो गेल के ऊपर एक अपडेट है, आप देख सकते हैं गेल इंडिया इशूज LNG टेंडर। तो LNG के ऊपर टेंडर यहाँ पे कंपनी लेके आया है, तो जो लिक्विड नेचुरल गैस है उसके ऊपर टेंडर लेके आया है। तो जितने सारे टेंडर इशू किया जाएगा बहुत सारे लोग टेंडर को खरीदारी करेंगे, तो जिसके लिए डायरेक्टली फायदा गेल इंडस्ट्रीज को मिलेगा। तो इसीलिए मैं गेल के ऊपर पॉजिटिव हूँ, और बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो पैटर्न्स बना था फाइनली उसका टारगेट भी अचीव हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कफ विद हैने पैटर्न्स का एक रेंज बना था। कफ विद हैने पैटर्न्स का मतलब क्या है आप ध्यान से देखेंगे, लंबा जर्नी के हिसाब से, आज का नहीं 2018 से लेकर कंपनी एक लंबा जर्नी के हिसाब से कफ बने और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी इस टारगेट को अचीव किए। तो बेस्ट तरीके से टारगेट को अचीव किया, उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी एक लंबा जर्नी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बेसिकली इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन 4,16,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी में कुछ वीकनेस पॉइंट अभी देखने को मिला, जैसे आईटी सेक्टर में कुछ मतलब टाइम ऑफ पीरियड में अराउंड एक साल तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, उतना ज़्यादा डिमांड नहीं हुआ, क्योंकि US जैसे बड़े कंट्रीज के ऊपर भी गूगल एप्पल फेसबुक मेटा इस तरीके से कंपनीज के ऊपर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मतलब बाहर की रास्ता दिखाया गया। उसी कारण के वजह से इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर भी एक प्रेशराइज देखने को मिला। फिर भी मैंने वीडियो में आपको डिस्कशन किया था कि एसेल टेक ने
बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर किया, अराउंड 10,000 एम्प्लॉयज़ को हायर किया। तो कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा काम तो हो रहा है, सिर्फ इकोनॉमिकली डाउनग्रेड देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है एंड सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा डाउन हो चुका है, क्योंकि कंपनी के जो बिजनेस है वो ऑल ओवर सिर्फ इंडिया में नहीं, ओवरऑल बात करूँ बाहर की कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कंपनी बिजनेस करते हैं। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, यूएसए में 65%, यूरोप में 28%, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में सिर्फ 5%। मतलब इंडिया में एकदम नाके बराबर कंपनी बिजनेस कर रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस यूएस में कर रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस देखा जाए तो यूरोप में कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल लगता है। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं एसेल टेक्नोलॉजी जो है उसके हिसाब से बात करूँ तो एसेल टेक्नोलॉजी लगातार एक जर्नी देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है इस लेवल तक ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आए, इस लेवल तक आए और उसके बाद देखिए बाउंस बैक करा है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक सपोर्ट लेवल था। तो सपोर्ट लेवल को टच कर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो हायर लेवल तक जा सकते हैं। अगर हायर लेवल तक गए तो एक पैटर्न्स बनेगा जो कुछ इस तरीके से शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बने, तो मैं एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड। तो अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड जो 1200-1300 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी 1:2 रेशियो का, सॉरी 2:1 रेशियो का, मतलब हर एक के बदले 2 शेयर आपको देने वाला है, और वो भी कब, 11th ऑफ जुलाई। तो 11th ऑफ जुलाई में कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। सर यही कंपनी नहीं, सारे कंपनीज के ऊपर रिसर्च करके काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से सारे इन्फॉर्मेशन एडुकेशन में आपको शेयर किया हो, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।